हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कल हमने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, आज हम उसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं वो आपस में अटैच होकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। जब ऐसे खूब सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होंगे तो क्या बनेगा? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो मेनली तीन चीजों से बनता है, मैंने आपको कल भी बताया था, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड लास्ट फॉस्फेट। ये जो तीन चीजें मिलकर क्या बनाती है? एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। तीनों चीजें मिलकर ये दोनों, मतलब जब एक पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस आपस में जुड़ते हैं तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी मैं आपको बना के बताऊंगी कि ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का क्या मीनिंग होता है। फिर जब एक फॉस्फेट, अपन ने कल न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में भी डिफरेंस पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियोटाइड तो तीन चीजों से मिलकर बनता है और अगर अपन फॉस्फेट को हटा दें तो ये दोनों शुगर और नाइट्रोजिनस बेस दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो एक फॉस्फेट जो न्यूक्लियोसाइड से अटैच होता है तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। देखो कैसे, ये क्या है? अपन ने कल पढ़े थे नाइट्रोजिनस बेस, कितने टाइप्स के थे? टू टाइप्स के, प्यूरिन और पिरामिडिन। तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, दैट मींस ये क्या है? पिरामिडिन। ये एक पिरामिडिन है, यानी ये क्या है? एक नाइट्रोजिनस बेस। अब इस नाइट्रोजिनस बेस को किससे अटैच होना है? शुगर से।
ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये पेंटोज शुगर का डायग्राम है। पेंटोज में भी कौन सी, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है इसमें ये देखो यहाँ पे एक फ्री OH है और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस में एक H है, तो ये OH और ये H मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड को ही हम क्या कहेंगे, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये N का क्या मीनिंग है, क्योंकि ये नाइट्रोजन वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसीलिए इसको N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5' OH ऑफ पेंटोज शुगर, या फिर न्यूक्लियोसाइड भी हम कह सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है उसके 5' OH से जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। कौन से बॉन्ड से, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड से, और फिर क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड। अब हम देखेंगे कि ये होगा कैसे। अभी अपन ने पिरामिडीन बनाया था, ये एक पिरामिडीन है। यहाँ वाले OH से जो बॉन्ड बना था वो था कौन सा बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम बात करेंगे, ये तो एक न्यूक्लियोसाइड हो गया, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड यानी फॉस्फेट कैसे जुड़ेगा उसकी बात करेंगे। ये एक फॉस्फेट ग्रुप है जिसमें यहां पर OH प्रेजेंट है। ये जो OH है वही से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो ये जो ये क्या है, एक फॉस्फेट। दिस इज शुगर एंड दिस इज अ बेस। तो ये एक बना एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से बना, मैंने आपको बताया कैसे कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कैसे ये आपस में अटैच हुए, ये सारा मैंने आपको बता दिया। तो ये तो होता है एन टर्मिनल, ठीक है। और अभी अपन ने पढ़ा कि वो 5' OH से जो फॉस्फेट है वो राइबोज शुगर के या डीऑक्सी राइबोज शुगर के 5' OH से अटैच होगा। तो 5' OH का क्या मीनिंग है, जैसे अगर अपन कार्बन काउंट करें तो यहां पे एक कार्बन है, यहां दूसरा कार्बन है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 नंबर कार्बन के OH से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है इसीलिए इसे बोलते हैं 5' OH टर्मिनल। ये 5' OH टर्मिनल या फिर सी टर्मिनल, जैसे वो एन टर्मिनल था ये सी टर्मिनल है। तो इसके 5' OH से जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है, इस तरीके से क्या बना ये एक न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा जो है इसे हम ऐसे ही
आगे से आगे अटैच होते रहते हैं, मतलब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये नेक्स्ट शुगर से अटैच होगा, शुगर क्या मतलब ये पूरा जो एक न्यूक्लियोटाइड है इसमें ये जो फॉस्फेट है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा और वो जो बॉन्ड बनाएगा वो होता है फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। तो वो अपन अभी देखेंगे कि अब ये एक न्यूक्लियोटाइड से पॉली न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। यहाँ पे बेस जुड़ा हुआ है तो ये अपन ने क्या बना दिया, एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से कैसे जुड़ेगा उसकी स्टडी करेंगे हम। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब यहाँ पे ये एक फ्री OH प्रेजेंट है फॉस्फेट पे, ये इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड होता है फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। जब सिंगल एक फॉस्फेट किसी शुगर से अटैच होता है तो यहाँ जो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ये बॉन्ड होता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। लेकिन जब एक फॉस्फेट ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर से और अपने शुगर दोनों से अटैच होता है तो ये जो फॉस्फेट इससे और इससे बॉन्ड बनाना है तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड होगा फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। अच्छी तरह से समझ लेगा फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड और फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड में फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड में क्या डिफरेंस है कि जब फॉस्फेट अपने ही न्यूक्लियोटाइड के शुगर से अटैच होता है तो जो बॉन्ड बनता है वो होता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड पर जब एक फॉस्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर से बॉन्ड बनाता है पॉली न्यूक्लियोटाइड या डाई अगर दो है तो अपन डाई न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में तो जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। इसी तरीके से अब इसके नीचे अपन एक और न्यूक्लियोटाइड ले लेंगे फिर उसके आगे एक और न्यूक्लियोटाइड ले लेंगे ऐसे ही पूरी जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है उसका फॉर्मेशन होता है। और ये जो बॉन्ड है ये होता है फॉस्फो डाईएस्टर बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ये जो जिससे पॉली न्यूक्लियोटाइड की पूरी है चेन बनती है। ऐसे एन होगा एन यानी इन्फिनिटी, तो ऐसी खूब सारी जो लंबी चेन बनेगी उसी से पूरा हमारा डीएनए बना हुआ होता है। तो कैसे बना था हम एक बार देख लेते हैं। ये इस तरीके से ये जो है ये पूरी बैकबोन होती है डीएनए की और ये साइड में जो होते हैं वो बेसेस जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ये डीएनए है तो ये जो स्ट्रैंड बैकबोन है वो तो किससे बनी हुई होती है शुगर और फॉस्फेट से और यहां पर एडेनिन थायमिन ऐसे ग्वानिन साइटोसिन
इस तरीके से जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो अटैच रहते हैं, और यहाँ दोनों मैंने आपको कल बताया था कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक सिंगल स्ट्रैंड जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है वो इस तरीके से बनती है, ये बेस और शुगर, ये फॉस्फेट और शुगर। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है ये फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड है। ये फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड है, ये फर्स्ट वाला फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, और ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक। तो इस तरीके से पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या एक पूरे डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब डीएनए की सबसे पहले रिसर्च की थी जिन साइंटिस्ट ने, उनका नेम है वॉटसन एंड क्रिक। उन्होंने फिर रिसर्च करने के बाद एक मॉडल दिया था जिसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल देते हैं, जिसमें डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक होगी।